Hi everyone, in this video I am going to explain functional organizational structure. इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में क्या पॉइंट्स आते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन को फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉलो करना चाहिए, इसकी इंपॉर्टेंस पॉइंट्स ये हम देखेंगे. ओके, इट इज मोस्ट वाइडली यूज्ड स्ट्रक्चर एंड द एक्टिविटी आर ग्रुप अकॉर्डिंग टू सिमिलर वर्क एंड फंक्शन. ये जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसका बेस है, उसको किस बेस पे किया गया है, स्ट्रक्चर किया गया ऑन द बेस ऑफ फंक्शन. फंक्शन दैट मींस द मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, जो भी आपका एचआर डिपार्टमेंट हो गया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, दैट इज ओनली द फंक्शनल एरिया. तो यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसको डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन में डिवाइडेड किया गया है, उसी के बेस पे जो स्ट्रक्चर तैयार हुआ है उसको हम फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बोलते हैं. ठीक है, तो ये सारा जो आपका लॉजिस्टिक, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सेल, सर्विस, फिनेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, HRM, ये सारा आपका क्या है, फंक्शन है, जिसके बेस पे ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड किया गया है. ओके, दिस फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज सुटेबल फॉर मीडियम टू स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन. स्मॉल से मीडियम ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये सुटेबल है, जहाँ पे इम्प्लॉयज 15 to 50 इम्प्लॉय हो, वैसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये सुटेबल है. ओके, जहाँ पे इम्प्लॉय 15 to 50 तक इम्प्लॉय हो. ओके, नाउ इस डिपार्टमेंट इज हेडेड बाय द फंक्शनल मैनेजर. दैट मीन्स जो भी आपका डिपार्टमेंट है, दिस ऑल डिपार्टमेंट, उसको कौन, उसका हेड कौन है, उसके फंक्शनल मैनेजर. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे प्रोडक्शन का हेड होगा प्रोडक्शन हेड, मार्केटिंग मार्केटिंग हेड, सेल हेड, सर्विस हेड, फिनेंस हेड, तो वो उनके अंदर सारे इम्प्लॉयज काम करेंगे. नाउ द हियर द इम्प्लॉयज आर ग्रुप एज देयर रोल. दैट मीन्स इम्प्लॉयज आर ग्रुप्ड बाय देयर नॉलेज एंड स्किल. इसका मतलब है कि इनके अंदर जो भी मार्केटिंग के अंदर जो भी इम्प्लॉय काम कर रहे हैं, दे मस्ट हैव द मार्केटिंग स्किल. HR के अंदर जो भी इम्प्लॉय काम कर रहे हैं, इधर जो भी इम्प्लॉय काम कर रहे हैं HR डिपार्टमेंट में, दे मस्ट हैव द HR स्किल. फिनेंस के अंदर जो भी काम कर रहे हैं, दे मस्ट हैव द फिनेंशियल स्किल. सो द एक्सपर्ट और स्किल यहाँ पे पॉइंट में लाया गया है कि उनको उनका नॉलेज और स्किल के अकॉर्डिंग इम्प्लॉय को ग्रुप में डिपार्टमेंट में डिवाइड किया गया है. फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज अ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर दैट ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल ऑर्गेनाइज इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपर्ट स्किल. ओके, ये डायग्राम आप देख लो, यहाँ पे जो भी प्रेसिडेंट या CEO या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो भी आप लिख सकते हो, टॉप लेवल मैनेजमेंट हियर. ओके, देन टॉप लेवल मैनेजमेंट को आप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में फंक्शन पे बेस पे डिवाइड करते हैं. तो आपको जो भी फंक्शन लिखना है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फिनेंस एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, दिस फोर डिपार्टमेंट इज द बेसिक डिपार्टमेंट. ओके, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के भी अंदर आप डायरेक्टली लिख सकते हो, बस इतना लिख के ऐसे भी आप एग्जाम में लिख के आ सकते हो. अगर आपको डिटेल में करना है तो आप प्रोडक्शन के अंदर इन्वेंट्री ऑपरेशन डाल सकते हो, मार्केटिंग के अंदर आप सेल एंड एडवर्टीजमेंट डाल सकते हो, फिनेंस के अंदर अकाउंट्स, फिनेंस परचेसिंग डाल सकते हो, ह्यूमन रिसोर्स में आप ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग HRD डाल सकते हो. ओके, और इसके अंदर जो भी इम्प्लॉय काम करते हैं उनको प्रोडक्शन का नॉलेज होना चाहिए, मार्केटिंग के अंदर जो भी इम्प्लॉय काम करते हैं उनको मार्केटिंग का नॉलेज होना चाहिए, फिनेंस के अंदर जो भी काम करते हैं उनको फिनेंस का नॉलेज होना चाहिए, HR के अंदर जो भी काम करते हैं उनको HR का नॉलेज होना चाहिए. तो बेसिकली फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फंक्शन पे बेस्ड होता है. यहाँ पे स्किल आपका जो एक्सपर्ट एरिया है उसको यहाँ पे हाईलाइट किया गया है, जो इम्प्लॉय हैं उनको उस कैटेगरी में डिवाइडेड किया गया है अकॉर्डिंग टू स्किल, अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपर्ट एरिया में उनको कैटेगरीज किया गया है और उनके अकॉर्डिंग उनसे काम करवाया जाता है. ठीक है, एडवांटेज क्या है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर प्रोवाइड बेटर एफिशिएंसी बिकॉज विद द कॉमन एबिलिटी एंड एक्सपर्ट्स आर ग्रुप. क्योंकि यहाँ पे जो इम्प्लॉय काम कर रहे हैं, दे आर द एक्सपर्ट, दे नो देयर ड्यूटीज, दे कैन परफॉर्म देयर ड्यूटी मोर इफिशियंटली. ठीक है, स्पेशलाइजेशन पे यहाँ पे फोकस किया गया है, दे इंक्रीज द encourage the specialization in certain skill set.
या पे जैसे आप जॉब वैकेंसी देखते हो, वैकेंसी जो आती है इसमें ये स्किल होना चाहिए, तो यहाँ पे स्पेशलाइजेशन पे ही फंक्शनल स्ट्रक्चर में फोकस किया गया है। देन स्पीड ऑफ ऑपरेशन, स्पीड ऑफ ऑपरेशन ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है यहाँ पे। क्लैरिटी ऑफ ऑपरेशन, क्योंकि एम्प्लॉय अंडरस्टूड देयर रोल एंड ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी, बेटर कंट्रोल, बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं है तो यहाँ पे कंट्रोल करना भी इजी है, एंड एम्प्लॉय हैव द क्लियर ग्रोथ पाथ। यहाँ पे अगर एचआर में कोई स्टार्टिंग लेवल पे ज्वाइन किया है, एग्जीक्यूटिव में ज्वाइन किया है, तो उसको पता है कि वो असिस्टेंट बनेगा, देन फिर वो असिस्टेंट मैनेजर बनेगा, देन एचआर हेड बनेगा, तो उसको एक क्लियर करियर ग्रोथ पता है उसको, ठीक है। तो यहाँ पे मेन क्या पॉइंट याद रखना है आपको फंक्शनल स्ट्रक्चर में, कि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर डिफाइन किया गया है वो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन किया गया है। फंक्शन दैट मीन्स डिपार्टमेंट, एचआर, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, फिनेंस एक्सेट्रा, एंड इसके अंदर जो भी इम्प्लॉय काम करेंगे वो उसी पार्टिकुलर फंक्शन के एक्सपर्ट होंगे। तो यहाँ पे स्पेशलाइजेशन एंड फंक्शन दो पॉइंट आपको याद रखना है। देन डिसएडवांटेज क्या है, यहाँ पे डिसएडवांटेज हो गया आपका टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट और आपका फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट भी कह सकते हो। एचआर डिपार्टमेंट का प्रोडक्शन से कॉन्फ्लिक्ट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मार्केटिंग से कॉन्फ्लिक्ट, ओके। सेग्रीगेशन मतलब सेग्रीगेटिंग मतलब होता है कि आप सेपरेट कर ले रहे हो, एचआर डिपार्टमेंट अपना सेपरेटली काम कर रहा है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अपना सेपरेटली काम कर रहा है, इंडिपेंडेंट है, उसको कोई मतलब नहीं है। तो सेग्रीगेटिंग मतलब अपने आप को सेग्रीगेट कर लेना। एम्प्लॉय मे गेट बोर ड्यू टू द सेम काइंड ऑफ वर्क, यस, बोर्डम, वर्क बोर्डम, दैट मीन्स द एम्प्लॉय को एक ही टाइप का काम करते करते वो बोर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 10 साल तक एक ही काम कर रहे हो, सिर्फ रिक्रूटमेंट ही कर रहे हो, सिर्फ आप इंटरव्यू ही ले रहे हो एम्प्लॉय का, तो यू विल गेट बोर्ड, ओके। लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन डिपार्टमेंट, यहाँ पे क्या है, अब एचआर डिपार्टमेंट मार्केटिंग डिपार्टमेंट से कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट नॉट कम्युनिकेटेड इफेक्टिवली विद द अदर डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग लैक ऑफ एक कम्युनिकेशन हो रहा है, हमें पता नहीं चल रहा है कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है, एचआर डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है। तो जो प्लानिंग प्रोसेस होता है ऑर्गेनाइजेशन का, जो एक कॉमन गोल और ऑब्जेक्टिव होता है, उसको अचीव करने में यहाँ पे दिक्कत आती है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कम्युनिकेशन। पर्सनल बायस, दैट मीन्स अगर आप एचआर के मैनेजर हैं, कोई पैरवी करवाया, उसको जॉब लगा दिया या उसका प्रमोशन करवा दिया जो लेस डिजर्व करता था, तो ऐसे में क्या हो जाता है, आदमी डिमोरलाइज हो जाता है, उसको डिमोटिवेटेड हो जाता है, दैट इज द पर्सनल बायस। पर्सनल बायस मे इफेक्ट द इम्प्लॉय मॉरल, फॉर एग्जाम्पल इम्प्लॉय मे फील डिमोरलाइज व्हेन द लो परफॉर्मिंग इम्प्लॉय इज प्रमोटेड ओवर दैम, ठीक है। एम्प्लॉय डू नॉट लर्न एनी न्यू स्किल, यहाँ पे सेम वर्क करना है आपको, तो कोई भी न्यू स्किल वो नहीं सीखता है, रोल में चेंजेस नहीं आता है, तो यहाँ पे एक टाइप से ये ग्रोथ ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ पे इसका इफेक्ट आता है, ओके। तो दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जिसका मैं वीडियो आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। थैंक यू।